नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। कोरोना महामारी का डर फिर एक बार फैल गया है। वडोदरा में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का एक केस भी दर्ज हुआ है। ऐसे में कोरोना से फिर एक बार निपटने के लिए वडोदरा में प्रशासन सज्ज हो रहा है। वडोदरा शहर की SSG अस्पताल में भी अस्पताल प्रशासन की ओर से हर जरूरी तैयारियां की जा रही है। उसी के चलते आज SSG अस्पताल पर ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। 5 से 5,500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला प्लांट SSG में सक्रिय करवा दिया गया है। 20-20,000 लीटर की दो टैंक भी उपलब्ध है। दोनों टैंक मिलाकर 40,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मंगा लिए गए हैं और साथ ही मरीजों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए कोरोना के वार्ड में बेड, ऑक्सीजन समेत की हर सुविधा देखी जा रही है। इस मामले में SSG अस्पताल के मेडिकल अफसर जागृति चौहान ने ज़्यादा जानकारी दी है। कोरोना नी वत्ता केस वधे छे एवी संभावना सरकारश्री द्वारा संभावना थई छे, त्यारे अमने सरकारश्री द्वारा काले परिपत्र आपीने ऑक्सिजन शुक्रवारे ऑक्सिजननी मॉक ड्रिल करवा जणाववामां आवे छे। अने SSG हॉस्पिटल खाते 20-20,000 बे ऑक्सिजन लिक्विडनी टैंक छे અને 7 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે, એમાં 2 જે પ્લાન્ટ છે એ DRDOના સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે। એટલે આજે સવારથી જ અમે 9 વાગ્યાથી આ પ્લાન્ટ ચાલુ કરી દીધા છે। અમે પીરિયડિકલી અમે ચેક કરતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે સ્પેશિયલ ચેક કરી રહ્યા છે અને આ DRDO પ્લાન્ટનું ચાલુ કરી દીધું છે। ઓક્સિજનના પ્લાન્ટ ચાલુ છે અને પીરિયડિકલી અમે પણ ચેક કરતા જ હોઈએ છીએ, એટલે એવી કોઈ તકલીફ નથી। અને ઓક્સિજન લિક્વિડ ટેન્ક 40,000 લીટરની છે, એટલે પ્લાન્ટની ઓછી જરૂરિયાત પડે છે। લિક્વિડ ટેન્ક અમને પૂરતી થઈ રહી છે। 1,000 લીટરના બે છે, 1,000 બે છે એવા। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।